इतना बड़ा स्लैब है जिसका जो लेंथ होगा स्लैब का ये जो लेंथ है स्लैब का ये जो लेंथ है मेरा स्लैब का मान लो कुछ तीस मीटर है राइट right? तीस मीटर है थर्टी मीटर इस स्पैन अब बारह मीटर तो एक सिंगल बार है अब बारह मीटर वाला बार लेके तो आ गया हमें मार्केट से तो मैंने बार जैसे यहाँ तक लाया बारह मीटर खत्म हुआ फिर इसके बाद मुझे आगे भी लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा दूसरे बार को इस तरह से लेके आऊंगा इसके बाद कनेक्ट करूंगा अब ये जो कनेक्ट करूंगा इतना लेंथ ये जो इतना एडिशनल लेंथ जिसके ऊपर दो बार ओवरलैप हो रहा है सो दिस इज कॉल्ड एज लैपिंग राइट सो व्हाई दिस लैपिंग हैज टू बी गिवन तो लैपिंग इज इज गिवन डन टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम वन रीबार टू अदर रीबार मतलब इस रीबार के ऊपर जो स्ट्रेस या जो लोड आ रहा था इस रीबार के ऊपर मुझे ट्रांसफर करना है तब जाके हम क्या करेंगे इसको लैपिंग करेंगे अब ये लैपिंग कितना देना है तो उसके लिए हमें ऑलरेडी पता है यूजुअली uh, 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार देना है

एक कॉलम का लैपिंग है बार यहाँ तक खत्म हुआ ओके फिर हमने अगले वाला बार हम इस तरह से लेके आके यहाँ पे हमने लैपिंग किया फिर यहाँ पे भी इन्होंने गलती की है गलती है कि जब भी आप लैपिंग कर तो आपको बार को इस तरह से इस तरह से लाना है दिस इज ओके इस तरह से आपको लैपिंग करना है ओके तो वन इंस टू तो सिक्स का जो स्लोप है उसको मेंटेन करना है और उसके बाद हमें लैपिंग करना है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको करना है यहाँ है, से मोड़ेंगे इस तरह से और इस तरह से लेके आएंगे सो दिस इज दैट लैपिंग इस तरह से एक बार यहाँ पे खत्म हुआ ऊपर वाला बार इस तरह से लेके आ गए फिर हमने इस तरह से लैपिंग किया सो दिस इज लैपिंग ओके जैसे दिस इज द राइट वे ऑफ लैपिंग इस तरह से आपको ऊपर वाला बार लेके आना है इस तरह से वन इज टू सिक्स स्लोप में थोड़ा सा बेंड करना है और इस तरह से लेके आना है राइट या और ये जो लेंथ होगा यहाँ से पे टाइम्स द ऑफ बार आपको मेंटेन करना है

एक कप्लर में एक थ्रेडिंग रहेगा तो नीचे वाला बार और ऊपर वाला बार दोनों को जोड़ के हम रखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा इसमें दो बार इसके बगल में नहीं आएगा एक साथ हम इसको प्रोवाइड करेंगे दिस आर कॉल्ड एज कपलर्स ये तभी यूज करेंगे जब हम डायमीटर ऑफ द बार जो है ना थर्टी टू और mm यूज करेंगे जैसे ब्रिजेस ब्रिज bridge का कंस्ट्रक्शन मेट्रो कंस्ट्रक्शन में सब क्या होगा यूजली थर्टी टू थर्टी डायमीटर का बार यूज करते हैं इन दैट केस हम क्या करते हैं इस कपलर को हम यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे देखो ए बीम में हमने किया है जैसे एक बार यहाँ पे है दूसरा बार यहाँ पे है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या, -क्या? इस किया तो इस तरह से कपलर्स को यूज किया सेम थिंग यू कैन सी इट हियर तो इससे से थ्रेडिंग होता है अब ये सारे बार को हमें फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करना होता है क्योंकि तो उस रिबार के ऊपर ए वाला एक रिबार है ये दूसरा रिबार है तो इस रिबार को हमें इस तरह से थ्रेडिंग करना है और फिर इस कपलर के थ्रू इसको अंदर हमें पास करना है तो इसको सब हमें फैक्ट्री में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करना है प्लान करने के बाद उसी उसी लेंथ का बार जो है और कपलर का जो थ्रेडिंग हमें करना होता है ये सारे फैक्ट्री में बनता है फिर हम आके साइड में इसका इंस्टॉलेशन करेंगे राइट या सो ये बीम का लैपिंग है बीम का लैपिंग देख सकते हो जैसे यहाँ से एक बीम आ गया तो यहाँ लैपिंग किया दिस इज कॉल्ड स्लैप लेंथ, राइट तो यूजुअली जैसे मैंने समझाया लैप लेंथ आपको 50 टाइम्स ऑफ द बार रखना है अगर मान लो ये आपका 16 डायमीटर का बार है और ये आपका बीस डायमीटर का बार है इसमें से कौन सा बड़ा वाला है ना उसको आपको लेना पड़ेगा बस फिफ्टी इंटू सोलह और बीस में बीस बड़ा है तो फिफ्टी इंटू ट्वेंटी करेंगे एक हजार एम या एक मीटर तो ये लैप लेंथ क्या होगा आपका एक मीटर का होगा राइट या सो so इसको इन लैप को हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से दिखेंगे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक लैपिंग यहाँ पे किया है राइट देखो यहाँ पे यहां से कॉलम खत्म हुआ फिर हमने ऊपर से बार लाया ब्रॉड द बार फ्रॉम द टॉप

यहाँ सेम चीज लैपिंग, लैपिंग देखो जैसे बीम है तो इन्होंने लैपिंग कहां पे किया है, यहाँ पे, इन्होंने लैपिंग किया है बीम में। यहाँ पे बार आया फिर आपका दूसरा बार है तो यहाँ पे भी हर एक जगह में आपको फिफ्टी टाइम्स ऑफ द बार ही रखना थोड़े ड्रॉइंग्स में दिया जाता है कि कॉलम में आपको फिफ्टी फाइव या करना है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप फिफ्टी टाइम्स बार को प्रैक्टिस करोगे राइट फिर यहाँ पे आप उसका मैं उसका सेम व्यू जूम किया मैंने यहाँ पे राइट लैप तो लेंथ so राइट या अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि लैपिंग हमें करना कहाँ पे लैपिंग तो हमने देखा अब इस बीम में लैपिंग हमें कहाँ पे करना है तो यूजली आपको याद रखना है जब भी आप लैपिंग करते हो जैसे पूरा एक बीम है मेरा पूरा यहाँ से यहाँ पे में लैपिंग कहाँ पे करेंगे बस याद रखना है दो चीज याद रखना है अगर आप टॉप बार पे लैपिंग करोगे टॉप बार पे तो आपको सेंटर में लैपिंग करना है अगर आप बॉटम बार में लैपिंग करोगे बॉटम बार तो आपको सपोर्ट्स के पास सपोर्ट्स के पास और supports, नियर सपोर्ट्स नियर सपोर्ट्स आपको एल बाई फोर एल बाई थ्री या एल बाई फोर के डिस्टेंस के अंदर आपको लैपिंग करना है बस एल बाई फोर ही करेंगे नियर yeah, सपोर्ट जो के डिस्टेंस पे आपको लैपिंग करना है राइट right? क्यों ऐसा करना है वेरी सिंपल जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है बेंडिंग मूवमेंट किस तरह से होगा जैसे यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा नीचे आने के लिए कोशिश करेगा फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा राइट right? अगर आप टॉप बीम है तो टॉप बीम में जैसे यहाँ पे देखो हमने टॉप रिइंफोर्समेंट दिया था ऊपर यहाँ पे नेगेटिव जैसे इसको फिर से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तो इसलिए आपने टॉप स्टील दिया था जो आपको याद है जब हमने वहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है जो हमने टॉप स्टील दिया था तो अगर हम लैपिंग भी यहाँ पे करेंगे इसी एरिया में तो यहाँ पे क्या हो फेलियर होने का चांसेस ज्यादा है क्यों कहाँ पे टॉप बार में राइट क्योंकि जब लैप जब बेंडिंग मोमेंट ही मैक्सिमम है वहाँ पे तो वहाँ पे अगर लैप देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लैप आपका वीक जॉइंट बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है जहाँ पे वीक जॉइंट बनेगा और अगर वहां पर तो तो हम क्या करेंगे ही नहीं तो इसलिए हम क्या करेंगे बीम में आपको में देना है। अगर टॉप बार में है तो आपको मिडल में लैपिंग देना है इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो लैपिंग इन्होंने दिया है ना टॉप बार में ऊपर वाले बार में सेंटर पोर्शन में इन्होंने लैपिंग दिया कहीं यहाँ पे दिया था इस पोर्शन में इन लोगों ने लैपिंग दिया था क्योंकि टॉप में है अगर नीचे वाले अगर इसके नीचे भी बाहर रहेंगे आप तो नीचे चला गया अगर आप इमेजिन करोगे तो नीचे भी बाहर रहेगा तो नीचे इस बेंडिंग मोमेंट को देखो नीचे जो बेंडिंग मोमेंट है आपका ये कहाँ पे मैक्सिमम है सेंटर पोर्शन में मैक्सिमम है यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना तो यहाँ पे लैपिंग नहीं करेगा नीचे वाले पोर्शन में पर यहाँ पे देखो नीचे वाले पोर्शन में इतना एरिया में कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है क्योंकि इतना एरिया में तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है ना तो नीचे तो बेंडिंग मोमेंट नहीं है नेगेटिव मतलब ऊपर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है नीचे तो नहीं है यहाँ पे भी नीचे भी नहीं है तो इसलिए मैंने कहा था अगर बॉटम वाला बार है तो आप नीचे लैपिंग करो यहाँ से एल बाई फोर यहाँ से एल बाई फोर करेंगे अगर टॉप uh, वाला बार है तो आप सेंटर रीजन में लैपिंग करो इसीलिए प्रैक्टिकली आप देख सकते हो यहाँ पे इसका या yeah, ए वाला सेंटर रीजन है तो हमने टॉप में इसका किया विच इज इन द सेंटर रीजन सेंटर रीजन इन देंस जो भी आपका बी में उसका आधा जहाँ पे आएगा वहां पे आप इसका लैपिंग कर सकते हो सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर अप टू हियर विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू